हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे ग्रुप नंबर जो कि आपका है डी ब्लॉक एलिमेंट का। डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाता है, कौन सा फॉर्मूलास निकालेंगे। बेसिकली ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा ही निकाला जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो दो रूल बता चुके थे, है ना, आप लेक्चर में देख सकते हैं जाके, दो रूल बताया गया है। आज हम लोग थर्ड रूल पढ़ेंगे, तीसरा रूल, और इसके बाद फिर हम लोग सब ग्रुप निकालने सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ तक, थर्ड टू ट्वेल्व, यानी कि तीसरा से यानी कि ग्रुप नंबर तीन से। इसका सीधा मतलब हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रुप नंबर जो आज देखने वाले हैं हम लोग, ग्रुप नंबर का मतलब बताए थे आपको क्या होता है, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, ठीक है। और आज जो देखने वाले हैं थर्ड ग्रुप टू ट्वेल्थ ग्रुप, इसको आप डी ब्लॉक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, डी ब्लॉक। तो आज हम लोग देखेंगे तीसरा ग्रुप, आज का जो रूल होगा तीन नंबर से लेके 12 नंबर ग्रुप को कैसे डिसाइड हम लोग करेंगे। तो बहुत ही आसान है, चलो देखो आराम से। तो पहला जो नियम था कि यदि इलेक्ट्रॉन एनएस में जा रहा है तो ग्रुप यदि एक होगा या दो होगा, और यदि एनएस के साथ साथ एनपी में जा रहा था तो उसमें हम लोग क्या जोड़ रहे थे, 10। और अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, यानी कि तीन से लेके 12 नंबर ग्रुप तक जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। जैसे यहाँ आपको ब्लॉक भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ब्लॉक भी। तो चलिए देखते हैं हम लोग, थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप हम लोग बिना देखे कैसे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कोई एलिमेंट दे दिया इसके बीच का तो हम कैसे पता करेंगे। और आपको एक बात और बता दिए थे कि जब तीनों नियम सीख जाएंगे तो फिर कोई भी एलिमेंट रहेगा हम निकाल सकते हैं, क्या चीज़, ग्रुप नंबर आराम से निकाल सकते हैं, वर्ग संख्या, ठीक है। तो इसमें याद रखना है आपको, इफ द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू एनएस एंड एन माइनस वन डी, इसका भी मतलब समझाए थे आपको, जब भी डी सब सेल को लिखेंगे तो उसके आगे एन नहीं लगाते हैं, कितना लगाते हैं, एन माइनस वन। और इसका कारण जो है हम पढ़ चुके हैं, तो एन एस एंड एन माइनस वन डी, देन ग्रुप नंबर बराबर, कुछ नहीं करना है, सिंपली एन एस का इलेक्ट्रॉन और एन माइनस वन डी का इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, जोड़ देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रुप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा आपका, ये क्या बोलना चाह रहा है कि यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन एनएस तथा एन माइनस वन डी में प्रवेश करता हो, तो यहां तक दिख रहा है सबको, सही है। यदि बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन एनएस तथा एन माइनस वन डी में प्रवेश करता हो तो ग्रुप नंबर यानी कि वर्ग संख्या, वर्ग संख्या बराबर कितना हो जाएगा, एनएस का इलेक्ट्रॉन और एन माइनस वन डी का इलेक्ट्रॉन,
मतलब हम कॉन्फ़िगरेशन के सहायता से क्या कर सकते हैं, ग्रुप निकाल सकते हैं। तो मेंडलीव साहब ने जो आपका पीरियोडिक टेबल्स को सजाया था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, इसलिए हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या निकाल सकते हैं, पीरियड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम लोग ग्रुप निकाल सकते हैं। ये लास्ट रूल है, तीसरा रूल है आपका, रूल नंबर थर्ड है ये, है ना। रूल नंबर कितना है, रूल नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकेंड बता चुके हैं। और ये तीनों जब सीख गए हम लोग तो किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि इफ द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू एनएस एंड एन माइनस वन डी देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू एनएस प्लस एन माइनस वन डी। यदि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन एनएस तथा एन माइनस वन डी में प्रवेश करता हो तो वर्ग संख्या बराबर, वर्ग संख्या बराबर, ये आपका संख्या है, वर्ग संख्या बराबर कितना होता है ns का इलेक्ट्रॉन और n माइनस वन डी। सिंपल वे में बोले तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ns का इलेक्ट्रॉन यानी कि s में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा और d में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। आइए हम लोग निकालते हैं ग्रुप नंबर, ठीक है। तो आपको बोले क्वेश्चन यदि दे दिया फाइंड आउट द ग्रुप नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट दिए गए तत्वों के, दिए गए तत्वों के वर्ग संख्या ज्ञात करें। दिए गए तत्वों के क्या निकालना है, वर्ग संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए मान लिया जाए एक नंबर में दे दिया आपको एस, एस्केंडियम, क्या है आपका, एस्केंडियम दे दिया है, फिर मिला के भी बताएंगे। तो एस्केंडियम है तो यदि कोई पूछ दिया कि इसका ग्रुप बताओ, क्या बताओ, ग्रुप कितने नंबर, मान लिया आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है और आपसे क्या पूछा गया, ग्रुप नंबर, तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे आप जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। मतलब ये तो नॉर्मल हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। तो नियम तो आपको सबको पता है जी कि लिथियम 3 से लेके कहाँ तक, नियॉन 10, क्या होता है हीलियम, हीलियम का कितना होता है जी 2। सोडियम जो होता है बता चुके हैं 11 से लेके कहाँ तक, आर्गन 18, क्या होता है नियॉन, नियॉन का 10। फिर आपको बताया गया था 19 पोटेशियम, 19 से लेके Kr36 तक क्या आता है, आर्गन, आर्गन का कितना होता है 18, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। फिर आपको बताया गया था रुबिडियम Rb 37 से लेके कहाँ तक, Xc जेनॉन 54 तक, क्या होता है Kr36। इसके अलावा Cs सीजियम 55, Cs का मतलब यहाँ पे क्या है सीजियम, कहाँ तक Rn रेडॉन तक 86, क्या होता है Xc 54, ठीक है। ये तो जानकारी आपको पहले से, तो कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक 21 इलेक्ट्रॉन जब सजाए तो आया कितना, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। नियम क्या है यहाँ पे कि 19 से 36 तक क्या लेते हैं आर्गन, आर्गन का कितना होता है 18, आर्गन का कितना होता है 18 होता है। तो ये जब 18 होता है तो 18 कहाँ पूरेगा, देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जगह आप क्या लिख सकते हैं Sc और यहाँ पे लिख देंगे आर्गन। बाहर क्या दिख रहा है, बाहर दिख रहा है 4s2 और 3d1। अरे भाई तो इसी को क्या बोला गया ns, इसको क्या बोला गया n-1d, क्योंकि यहाँ पे n बराबर मैक्सिमम नंबर कितना है 4 है, 4 ले लिए, तो यहाँ n का वैल्यू 4 है लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, तो n से कितना कम है 1 कम है, n से कितना कम है 1 है, तो n-1d लिखा गया। यानी कि सिंपल वे में बोले तो ये S सबसेल है, ये आपका क्या है, आपका S सबसेल है।
और ये है आपका डी सबसेल है। अब हमें चाहिए ग्रुप नंबर, क्या चाहिए ग्रुप। तो अभी अभी आपको बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन एनएस और एन माइनस वन डी में जाए, यदि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा एनएस और एन माइनस वन डी में, तो ग्रुप नंबर बराबर अभी अभी बताया आपको कितना, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू होता है एनएस का इलेक्ट्रॉन और प्लस एन माइनस वन डी का इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए एनएस में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो, कितना है आपका दो, प्लस डी में कितना है एक, तो दो अरे कितना हो गया तीन। मतलब यहाँ से आपको पता चल गया कि स्कैंडियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप। कितने नंबर में आएगा स्कैंडियम, तीसरा नंबर में आएगा, थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। आप पीरियोडिक टेबल में मिला सकते हैं, कितने नंबर में आएंगे ये, छः नंबर, तीन नंबर ग्रुप में आएगा। सबको समझ में आया, समझ में आ रहा है तो कमेंट करें फटाफट, क्या करें कमेंट करें। तो कितने नंबर में आ गया बच्चे, तीन नंबर में, कितना नंबर में आ गया तीन नंबर में, कमेंट कीजिए फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, दूसरा देते हैं, सब मिलके बनाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिटा दूं इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका कितना है, 1s2 है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, समझ में आ रहा है। फिर आ जाएगा 4d10, इस तरह से बढ़ेगा। तो इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ईसी, ईसी मतलब, या GEC भी बोलते हैं, जनरल, जी फॉर जनरल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ई फॉर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोला जाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद है ना सबको। तो इसको क्या बोलेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आपको देते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए आपको जिंक दे दिया, क्या दे दिया, दूसरा नंबर में आपको ZN जिंक, जिंक का कितना होता है 30, जिंक दे दिया और आपसे पूछ दिया है कि बताओ इसका वर्ग संख्या कितना है, ग्रुप नंबर कितना है। तो सिंपल क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना 10। अब गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। यहाँ पे नियम क्या है, 19 से 36 तक क्या लेते हैं आर्गन, आर्गन के कितना होता है 18, तो 18 देखिए कहाँ तक जाएगा, यहाँ 3p6 तक जाएगा। अब इसको शॉर्टकट लिखें तो ZN हो जाएगा, कितना हो जाएगा ZN। तो ZN को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 18, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा आर्गन, यहाँ तो 18 इलेक्ट्रॉन पुरता है ना जी, तो ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से यहाँ आर्गन लिखा गया। तो बाहर कितना बच रहा है 4s2 और 3d कितना 10। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ns के साथ साथ, ये हो गया आपका ns और ये हो गया आपका n-1d। ठीक है, तो हमें निकालना है ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर बराबर ns का इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ns में कितना है, दो इलेक्ट्रॉन, और d में कितना है 10 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 कितना आ जाएगा 12। मतलब जिंक का जो वर्ग संख्या है, ग्रुप नंबर किसका, जिंक का, कितने नंबर में आता है 12 नंबर में आता है। तो देखिए बिना पीरियोडिक टेबल के सहायता से मिल रहा है, क्यों, चूँकि रूल है, चूँकि पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे बनाया गया है। तो ये समझ में आ गया, चलिए इसको जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ले लिए, ठीक है। मान लीजिए आपको पूछ दिए तीसरा नंबर Mn का कितना होता है 25। चलिए बताइए ये कितने नंबर में ग्रुप में आएंगे, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, कमेंट करके बताइए कि Mn कितने नंबर ग्रुप में आता है, हो जाएगा सबसे। देखिए कितने आएगा, कितना बोले 5। अच्छा देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5
नियम के मुताबिक, यानी कि 19 से 36 तक क्या आर्गन, बोलो 19 से 36 तक क्या होता है आर्गन। आर्गन कहाँ पूरेगा, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। तो क्या लिखेंगे शॉर्टकट, MN आर्गन है ना, 4S2, 3D, 5। ये हो जाएगा NS, ये हो गया N-1D। ग्रुप नंबर निकालो, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू NS का इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D का इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ दीजिए, S में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, प्लस D में कितना है, 5, कितना आ जाएगा, 5 2 7। तो MN किस में आता है, MN जो है, MN क्या है आपका, मैग्नीज, 25 ना, तो कितने नंबर में आएगा, 7 नंबर में। कितने नंबर में आएगा, 18 2 20 5 25। कितने नंबर ग्रुप में आएगा, ये 7 नंबर में आएगा। तो क्लियर है सबका, क्या है आपका, क्लियर है, आसानी से बता सकते हैं कौन कितने नंबर ग्रुप में आएगा, ये 7 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, 7 में। ये हो गया। अब हम लोग बात क्या करते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात क्या करते हैं, मान लीजिए आप तीनों को, मतलब आप जो नियम बताए, तीन नियम बताए, आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, कोई भी एलिमेंट लीजिए, आप बता सकते हैं ग्रुप नंबर कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिटा दो इसको, ये जो लिखा गया आपके सहायता के लिए, मतलब आपको समझ में आए कि ये तो आपको सीख चुके हैं, सेकेंड चैप्टर में सीख चुके हैं। जो बच्चे नहीं सीखे वो सीख लें सबसे पहले, है ना, तब पीरियोडिक टेबल पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी लीजिए, कौन किस में आएगा, जैसे क्वेश्चन आपको निकाल दे दे, फाइंड आउट द ग्रुप नंबर, वर्ग संख्या ज्ञात करें, वर्ग संख्या ज्ञात करें, क्या करेंगे, वर्ग संख्या ज्ञात करें। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक नंबर में दे दिया आपको CR, क्रोमियम कितना, 24 होता। दूसरा कमेंट करके आप लोग बताते चलिए, नाइट्रोजन दे दिया, इसका कितना होता है, 7। तीन नंबर मान लिया जाए, आपको दे दिया फॉस्फोरस। चार नंबर में दे दिया मान लीजिए RB, रुबिडियम। रुबिडियम का कितना होता है, 37, ठीक है। पांच नंबर दे दिया MG, क्या दे दिया, MG। तो आपको यदि पूछेगा इसका ग्रुप नंबर निकाले, तो नहीं निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक नंबर में क्या दिया है, एंसर करें, एक नंबर में क्या दिया है, क्रोमियम, तो CR क्रोमियम हो गया। और शॉर्टकट यदि लिखें इसको, ऐसे तो लिखा जाता है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और 3D, कितना 4, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा लिखेगा गलत हो जाएगा। यहाँ एक्सेप्शन है तो स्टार मार्क लगा देंगे। यहाँ पे क्या करना है, जैसे हाफ फील्ड और वाइटल और फुल फील्ड होता है मोस्ट स्टेबल, मतलब अर्धभरित कक्षक और पूर्ण भरित कक्षक दोनों क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। स्टेबल कहने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता है। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चल जाएगा, डी में। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा, एक्सेप्शन है, बताए भी थे। तो क्रोमियम का जो होगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5, ऐसे होना क्या चाहिए नियम के अनुसार, ये होना चाहिए आपका कितना, ये होना चाहिए आपका 4S2 और 3D4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, अब देखिए S में मैक्सिमम 2 रहता है, D में कितना रहता है, 10, तो उसका आधा कितना हो गया, S में 1 हाफ फील्ड हो गया, D में 5 हाफ फील्ड हो जाएगा। क्योंकि D में 10 रहता तो फुल फील्ड उसको बोलते हैं, तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों ही मोस्ट स्टेबल होता है, और जिसके वजह से काम तो वही रहेगा। चूंकि 36 तक क्या होता है आर्गन, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं क्रोमियम, और यहाँ लिख देंगे आर्गन, बाहर कितना है 4S1 और 3D कितना है 5, ठीक है। अब ग्रुप नंबर आप बता सकते हैं, अब किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, NS में जा रहा है, और दूसरा जा रहा है N-1D में जा रहा है,
तो ग्रुप नंबर आप बता सकते हैं, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? तो जी आर बराबर ग्रुप नंबर बराबर, ग्रुप नंबर को जी आर भी बोल सकते हैं, ग्रुप नंबर बराबर हो जाएगा एन एस का इलेक्ट्रॉन प्लस एन माइनस वन डी का इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा? एक प्लस पाँच, एक प्लस पाँच कितना जाएगा? छः। यानी इसका ग्रुप नंबर कितना है? सिक्स है। दिख रहा है ना सबको? कहने का मतलब क्रोमियम का ग्रुप नंबर कितना हो गया? दिख रहा है, क्रोमियम का ग्रुप नंबर हो गया सिक्स। तो क्वेश्चन जो है आपका क्या क्या दिया है यहाँ पे? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर बी है, एम जी है। ठीक है, समझ में आ गया? सब स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे फटाफट, है ना? चलिए दूसरा का बताइए। दूसरा दिया था बच्चे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर बताना है। पीरियोडिक टेबल आपके पास नहीं है तो नाइट्रोजन का कितना होता है? सेवन। तो क्या लिखेगा? वन एस टू और टू एस टू और टू पी थ्री, दो दो चार, अच्छा दस होता है लेकिन पी में आपका एक से छः के बीच रह सकता है, तो दो दो चार है, इसमें कितना बचा? तीन। तो इसमें जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? तीन से लेके दस के बीच क्या होता है? हीलियम। तीन से लेके दस के बीच क्या होता है? हीलियम। तो हीलियम का क्या हो जाएगा? वन एस टू, यानी कि एन, और यहाँ वन एस टू की जगह क्या लिख देंगे? हीलियम। चूँकि नियम ही है तीन से दस तक में क्या लेते हैं? हीलियम। और हीलियम का हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? वन एस टू होता है, चूँकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाहर कितना बचा? 2s2 और 2p3। तो इसको बोलेंगे ns। अभी और इसको क्या बोलेंगे? np, क्योंकि ये भी दो है ये भी दो है, ns np। तो एक नियम बताए थे कि यदि इलेक्ट्रॉन ns के साथ साथ np में जाएगा लेकिन n माइनस वन डी में नहीं जाएगा, तो इस केस में आपको बताया गया था कि हम क्या करते हैं, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये तो है ही नहीं, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन लेते हैं और 10 ऐड कर देते हैं इसमें। यानी कि इसके इसके लिए बताया गया था कि यदि इलेक्ट्रॉन ns के साथ साथ np में जाता है लेकिन n माइनस वन डी में नहीं जाता है, तो इस केस में ग्रुप नंबर हो जाता है 10 प्लस ns का इलेक्ट्रॉन और np का इलेक्ट्रॉन, बताया गया था, याद कीजिए, दिमाग में जोर लगाइए। तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर बराबर 10 प्लस एन एस का इलेक्ट्रॉन और एन पी का इलेक्ट्रॉन। तो एन एस में दो है और एन पी में तीन है, यानी कि 10 प्लस दो प्लस तीन, तो कितना आ जाएगा? 10 दो बारह तीन 15। बताए थे कि यदि तीनों रूल आप पढ़ लिए तो कोई दिक्कत आपका नहीं होने जा रहा है, आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए बताया गया था, याद रखिएगा कि यदि इलेक्ट्रॉन एन एस के साथ साथ एन पी में जाएगा लेकिन डी में नहीं जाएगा, NS के साथ साथ NP में जाएगा लेकिन D में नहीं जाएगा, तो इस केस में सूत्र क्या होता है ग्रुप नंबर? जिनको नहीं भी पता है याद कर लें क्या होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके पहले आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखने से ही पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है कौन सा ग्रुप में आएगा। तो आपको देखिए हम पता कैसे कर लिए कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं कि NS के साथ साथ यदि NP में जाएगा तो ग्रुप नंबर क्या होता है? 10 प्लस एन एस का इलेक्ट्रॉन और एन पी का, तो 10 लिए, और एन एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? एस में दो इलेक्ट्रॉन है और पी में तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन दो कितना? पाँच और 10 15। समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में फॉस्फोरस था, इसका कितना होता है? 15। तो 1s2 2s2 2p 6, 3s2 3p कितना? 2 2 4 10 12 और 3 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ नियम बताया गया है 11 से 18 तक, 11 से 18 तक क्या लेते हैं नियम? तो 11 से 18 के बीच में आ रहा है 15, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ क्या पूरेगा? नियम 2 2 4 6 10, क्योंकि नियम का कितना होता है? 10। तो p और क्या लिखेंगे यहाँ पे? नियॉन हो जाएगा और 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? 3। अब ग्रुप, अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? ns के साथ साथ np में जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा ग्रुप नंबर का? बोलो, ग्रुप नंबर बराबर कितना जी? 10 प्लस और ns का इलेक्ट्रॉन प्लस np का इलेक्ट्रॉन, जोड़ दो भाई,
तो 10 प्लस यहाँ कितना है, एनएस में 2 है और एनपी में कितना है, 3 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 15। यानी कि फास्फोरस भी कितना आता है, 15। तो 15 जो ग्रुप का एलिमेंट होता है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये जो है सब का सब किस में आएगा, आगे बताएंगे जब ब्लॉक पढ़ाया जाएगा बताएंगे, तो ये सब का सब किस में आएगा, 15 में आएगा। लेकिन आपको यदि कॉन्फ़िगरेशन याद है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एलिमेंट देगा आप निकाल सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, हो गया। अगला जो क्वेश्चन था वो था आरबी, रुबिडियम होता है, इसका 37 होता है, कितना होता है 37, तो इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। अब देखिए 37 है तो 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 2 20 10 30 6 36 और 1 37। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि 37 से लेके 54 तक, 37 से लेके कहाँ तक, 54 तक क्या लेते हैं, क्रिप्टन। 37 से लेके 54 तक क्या लेते हैं, क्रिप्टन लेते हैं, KR रूल है, मतलब उसके बीच जो भी आएगा कितना लिया जाएगा, क्रिप्टन, यानी कि 36 कहाँ पूरा है, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 6 36। इसको शॉर्टकट लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चे, RB, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, आर्गन, बाहर कितना बच रहा है 5s1। ये सब रूल है, याद रखना है, ये दोनों तो याद होना ही चाहिए, ये दोनों यदि पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है सिर्फ ns में जा रहा है, ये पहला रूल में आ गया। पहला रूल क्या बताया गया, यदि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ns में जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ जाएगा, ns में जाएगा, तो ग्रुप नंबर बराबर हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ns, यानी कि ns में जो इलेक्ट्रॉन है वही हो जाएगा इसका वर्ग संख्या। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो यह वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ग्रुप नंबर बराबर ns का इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए भाई s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, यानी कि RB जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट। तो इजी नहीं है, बहुत ही आसान है, समझ गए। तो ये किस में आएगा, RB, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा, फर्स्ट में आएगा, किस में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा। चलिए नेक्स्ट, हो गया सबका, एक और था, मिटा दे इसको। उसके बाद 5 था आपका Mg, मैग्नीशियम, इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना हो जाएगा, 2। तो Mg का कितना होता है, 12 होता है, तो 12, यानी कि 11 से 18 के बीच क्या होता है, 11 से 18 के बीच क्या होता है, 10, नियोन। 11 से 18 के बीच कोई भी एलिमेंट होगा कितना घेरना है आपका, 10, तो Mg, और ये हो जाएगा नियोन और ये 3s2। तो ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सिर्फ ns में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ns में जा रहा है। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर बराबर ns का इलेक्ट्रॉन, तो ns में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ग्रुप नंबर 2, यानी कि मैग्नीशियम कितने नंबर ग्रुप में आएगा, 2 नंबर में आएगा। तो किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, बरसते जो आपको पढ़ाया गया है, मतलब रूल याद रखना है, ns में जाएगा, यदि मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन सिर्फ ns में जा रहा है, तो s में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही ग्रुप हो जाएगा। यदि ns के साथ साथ np में जा रहा है, तो ग्रुप नंबर बराबर आपको बताए थे 10 प्लस और ns का इलेक्ट्रॉन प्लस np का इलेक्ट्रॉन। और यदि आपका ns के साथ साथ ns np और n-1d, मतलब spd ns np और n-1d तीनों में जा रहा है, तो तीनों को सिर्फ जोड़ देते हैं। और यदि ns और n-1d में जा रहा है, ns और n-1d में जा रहा है, तो इस केस में क्या करते हैं, s का और d का इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। ये तीन रूल बताए थे, और तीन रूल के सहायता से किसी भी एलिमेंट का आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ क्वेश्चन देते हैं, कमेंट करेंगे आप लोग, फटाफट कमेंट करें। और यदि कोई दिक्कत है, कुछ दुख दर्द है, तो आप क्या करें, कमेंट करके बताएं। यदि कोई दिक्कत है तो ग्रुप में, मतलब आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर सबको बता चुके हैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बिंदास होकर सिर्फ क्या करें, पढ़ाई करें। फाइंड आउट द पीरियड
नंबर एंड ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स, आपको दोनों बताना है एक साथ, और जब सब ग्रुप बता देंगे तो सब ग्रुप भी बताना एक साथ। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है दिए गए तत्वों के, दिए गए तत्वों के आवर्त संख्या, आवर्त संख्या एवं वर्ग संख्या, वर्ग संख्या ज्ञात करें, आवर्त संख्या एवं वर्ग संख्या ज्ञात करें। दिए गए तत्वों को क्या निकालना है? आवर्त भी बताना है, वर्ग भी बताना है। तो चलो बच्चा, एक नंबर में दे दिए ऑक्सीजन कितना होता है 8, दूसरा दे दिए के 19 होता है, तीसरा दे दिया आपको सी यूकॉप पर 29 होता, चार नंबर दे दिए आर्सेनिक कितना होता है 33, पांच नंबर दे दिए टाइटेनियम कितना होता है 22। आपको क्या करना है? सब का पीरियड और ग्रुप निकालना है, पीरियड और ग्रुप निकालना है, और फटाफट क्या करना है? कमेंट करना है। ग्रुप और पीरियड दोनों बताना है, ग्रुप और पीरियड दोनों निकाल के क्या करना है आपको? कमेंट करना है फटाफट, ठीक है? तो आप क्या है, अब जो है इस तरह से हम ग्रुप नंबर जो है निकालने सीख गए, पीरियड भी सिखा दिए, ग्रुप नंबर भी हम लोग सीख गए। नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे सब ग्रुप कैसे निकाला जाता है। जैसे कभी कभी रहता है 1A लिखा हुआ रहता है, पीरियोडिक टेबल देखिएगा उसमें क्या रहेगा 1A वगैरह ऐसे लिखा रहेगा, 2A लिखा रहता है, 3A लिखा रहता है, कभी कभी सिर्फ क्या रहता है 8 रहता है ऐसे। तो कैसे इसको बोलते हैं सब ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं सब ग्रुप। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे सब ग्रुप कैसे निकाला जाता है बिना पीरियोडिक टेबल के सहायता से। आप बता सकते हैं और रटने की भी जरूरत नहीं, आपको क्या आना चाहिए देखिए, 3 नंबर चैप्टर जो अभी पढ़ रहे हैं और एक 4 नंबर चैप्टर, ये दोनों को यदि समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से आना चाहिए, और ये यदि आता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकते। इसलिए टाइम को बर्बाद नहीं करें, मेहनत करें, सीखने की कोशिश करें, और जहाँ भी दिक्कत हो आप क्या कर सकते हैं कमेंट करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में समझा दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा। तो ठीक है बच्चे, इसका जल्दी फटाफट बना के क्या करें, इसका कमेंट करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है सब ग्रुप के साथ आएंगे, किसके साथ? सब ग्रुप के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप क्या करें इसको एकदम साफ सुथरा नोट कर लेंगे और इसको बना के फटाफट क्या करें आप लोग कमेंट करें, ठीक है बच्चे? थैंक यू।